एक दिन शहंशाह हमेशा की तरह लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। तभी एक तेल का व्यापारी आता है और कहता है, जहां पना, एक सब्जी वाले ने मेरे पैसे से भरी थैली से पैसे चुरा लिए, कृपया मुझे उससे पैसे चाहिए। शहंशाह के हुक्म अनुसार उस सब्जी वाले को पेश किया जाता है। सभा में बैठे हुए सभी लोग उस सब्जी वाले को देख रहे होते हैं। अच्छा, तुम हो वो चोर। तभी सभा में बैठे हुए बीरबल जी की नजर उस चोर पर पड़ती है। शहंशाह उस चोर को सजा सुनाते उससे पहले बीरबल जी कुछ कहते हैं। ठहरिए हुजूर, मैं आपको एक दिन की घटना बताना चाहता हूँ। बीरबल, तुमने हमें सजा देने से क्यों रोका और उस घटना का इस चोर से क्या संबंध है? संबंध है हुजूर। फिर बीरबल जी उस दिन की घटना बताते हैं। एक दिन हमारे मंत्री जी का पुत्र पेड़ से गिर गया था। उसे गंभीर चोट लगी थी और वह मदद के लिए पुकार रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक भले इंसान की नजर पड़ी। अरे ये बालक कौन चिल्ला रहा है, लगता है बहुत पीड़ा में है, जाकर देखता हूँ। फिर वह भला इंसान उस घायल बालक को वैद्य जी के यहाँ ले जाता है। तुम भले इंसान हो, तुमने एक बालक की मदद की है, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। नहीं वैद्य जी, ये मेरा एक कर्तव्य था जो मैंने पूर्ण किया, अब मुझे सब्जी बेचने जाना है, कृपया मुझे जाने दें। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं पता कर लूँगा कि यह पुत्र किसका है। ऐसा कहकर वह सब्जी वाला वहाँ से चला जाता है। उस बालक का पता करते करते मैं और उस बालक का पिता वैद्य जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। वैद्य जी बता देते हैं कि वह सब्जी वाला था और इसी नगर का था। फिर मैं उस सब्जी वाले के घर गया तो मैंने देखा वह बहुत गरीब था। जब मैंने मुंह मांगी असरफियाँ पुरस्कार स्वरूप देने को कहा तो उसने कहा, किसी भी इंसान के जान की कीमत को हजारों लाखों असरफियों से भी नहीं तोला जा सकता, कृपया बीरबल जी आप मुझे माफ़ करें। उस सब्जी वाले की ऐसी बातें सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग हमारे राज्य में हैं। बीरबल, हमें गर्व है ऐसी प्रजा पर। लेकिन बीरबल, उस घटना का इस चोर से क्या संबंध है? सहनसा, ये चोर और कोई नहीं, वही सब्जी वाला है। फिर इसने उस व्यापारी के थैले से पैसे क्यों चुराए? सहनसा, वो व्यापारी झूठ बोल रहा है, वह मेरे यहाँ सब्जी लेने आया था और पैसे की थैली वहीं भूल गया था। फिर मैंने उस थैली को बिना खोले संभाल कर रख लिया था। वह पैसे की लालच में झूठ बोल रहा है ताकि मैं इस झमेले से बचने के लिए उसे उतने पैसे दे दूँ जितने वह कह रहा है। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है जिसने मुंह मांगी असरफियों को मना कर दिया। अपनी गलती मान लो वरना तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। फिर व्यापारी सजा के डर से अपनी गलती मान लेता है। लेकिन व्यापारी फिर ऐसी गलती ना करे, सहंसा उसे सजा के तौर पर उसकी थैली से आधे पैसे उस सब्जी वाले को देने का हुक्म सुनाते हैं। जी हुजूर। सहंसा उस सब्जी वाले से कहते हैं, तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की हमें बहुत ज़रूरत है, तुम हमारे महल में काम करना चाहोगे? वह सब्जी वाला हाँ कर देता है। फिर बीरबल उस सब्जी वाले से कहते हैं, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। ऐसी रोचक कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।